नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2021 ऑक्शन के बाद रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस की पूरी टीम के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। लेकिन आप मुंबई इंडियंस को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीएल की मौजूदा विजेता मुंबई इंडियंस ने लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले श्रीलंकाई तेज गेंदबाज लसित मलिंगा सहित 7 खिलाड़ियों को 2021 सीजन से पहले रिलीज कर दिया था। सर्वाधिक 5 बार आईपीएल खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस ने लसित मलिंगा के अलावा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जेम्स पैटिनसन, नेथन कुल्टन नाइल तथा न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मिचेल मैकलेनेगन को भी रिलीज कर दिया था। इस बार टीम को एक दो अच्छे तेज गेंदबाज की जरूरत थी। टीम ने इस कमी को पूरा करने की कोशिश की है, वही स्पिनर को भी अपने साथ जोड़ा है। इस बार के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने नेथन कुल्टन नाइल को रिलीज किया था, लेकिन इस बार फिर उन्हें टीम में अपने साथ जोड़ लिया है। लेकिन उन्हें इस बार 5 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। एडम मिलने को भी अपने साथ लिया है, उन्हें 3 करोड़ रुपए में अपने पाले में कर लिया था। वही पीयूष चावला को भी टीम ने अपने साथ लिया था, मुंबई ने उन्हें 2 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा था। जिमी निशम को भी टीम ने ले लिया, वही उन्हें टीम ने 50 लाख रुपए में खरीदा है। इसके अलावा युद्धवीर चरक, मार्को जॉनसन, अर्जुन तेंदुलकर को भी 20 लाख रुपए में खरीदा है। मुंबई इंडियंस के स्क्वाड की बात करें तो रोहित शर्मा, आदित्य तारे, अनुकूल रॉय, अनमोल प्रीत सिंह, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कायरन पोलार्ड, कृणाल पंड्या, मोहसिन खान, क्विंटन डिकॉक, राहुल चहर, सौरभ तिवारी, सूर्य कुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, एडम मिलने, नेथन कुल्टरनाइल, पीयूष चावला, जिमी निशम, युद्धवीर चरक, मार्को जॉनसन और अर्जुन तेंदुलकर। दोस्तों ये मुंबई इंडियंस का स्क्वाड होने वाला है आईपीएल 2021 के लिए।